क्रिसमस और नववर्ष पर रहेगी नो एंट्री, नहीं आएंगे बाहरी वाहन। पर्यटकों की सुविधा के लिए मोनुमेंट्स पर लगाई जाएंगी अधिक पुलिस। क्रिसमस और नववर्ष पर पर्यटकों को परेशानी का सामना ना करना पड़े, इसलिए नववर्ष पर लगने वाले जाम से निपटने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने तैयारी कर ली है और जल्द ही ताजमहल और अन्य स्मारकों के पास अधिक संख्या में पुलिस लगाकर उसे अमली जामा पहनाया जाएगा। आपको बता दें कि आगरा में कमिश्नर प्रणाली लागू की होने के बाद पुलिस ने भी अपना काम करने का तरीका बदल दिया है। आने वाले त्योहारों पर जाम से निपटने के लिए पुलिस ने पहले से ही तैयारी कर ली है, जिसकी जानकारी ट्रैफिक एडिशनल डीसीपी अरुण चंद ने दी। उन्होंने बताया कि क्रिसमस और नववर्ष पर शहर के अंदर आने वाले रास्तों में पुलिस लगाकर ओवरलोड वाहनों को नो एंट्री में आने से रोका जाएगा। साथ ही ज्यादा भीड़ भाड़ वाले इलाके ताजमहल, लाल किला के पास ट्रैफिक के कड़े इंतजाम कराए जाएंगे। देखिए, जैसा कि आपको मालूम है कि अभी त्योहार है, क्रिसमस का त्यौहार है और साल का आखिरी हफ्ता चल रहा है, तो इसमें अगल बगल से और दूर दूर से बहुत से पर्यटक आते हैं, नववर्ष में भी आते हैं। तो एक तो हम लोग क्रिसमस की पूर्व संध्या पे शहर में नो एंट्री लागू करेंगे। भारी वाहनों के लिए जो नो एंट्री खुलती थी वो नहीं खुलेगी, उसको रात में आवश्यकता अनुसार ये देख के कि अब जो है भीड़ नहीं है तो खोला जाएगा। और यही व्यवस्था हम नववर्ष पे करेंगे कि ताकि जो है नववर्ष का यदि कोई आयोजन होता हो तो उस पर किसी प्रकार की कोई व्यवधान ना हो। जहाँ तक सवाल है, हमारे जो पर्यटक आते हैं उनका फोकस कुछ क्षेत्र विशेष पे होता है, विशेष रूप से लाल किला और ताजमहल के आसपास का क्षेत्र इससे प्रभावित होता है। तो यहाँ के लिए हम जो है इन जो त्यौहार है और नववर्ष का जो आने वाला पर्व है, तो उसके लिए हम अलग से फोर्स लगा रहे हैं उन क्षेत्रों में, ताकि कहीं भी किसी प्रकार से ट्रैफिक से संबंधी समस्या उत्पन्न ना होने पाए। गोपी कृष्ण हॉस्पिटल चिकित्सा के क्षेत्र में मथुरा का अग्रणी हॉस्पिटल एवं पहला टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर है। IVF में 70% सफलता, स्त्री रोग विभाग में हाई रिस्क डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन, हिस्टेक्टोमी आदि बेहद अनुभवी एवं क्वालिफाइड लेडी डॉक्टर द्वारा किए जाते हैं। हड्डी रोग विभाग की एडवांस यूनिट जहां पर जोड़ प्रत्यारोपण यानी कि घुटना रिप्लेसमेंट, कूल्हा रिप्लेसमेंट, रीढ़ की हड्डी के ऑपरेशन एवं फ्रैक्चर होने पर प्लास्टर, सरिया या प्लेटिंग आदि की सर्जरी की जाती है। हर प्रकार की जनरल सर्जरी एवं दूरबीन विधि से हर प्रकार के लैप्रोस्कोपिक ऑपरेशन, बच्चों के हर प्रकार के रोगों का इलाज हॉस्पिटल NABH से मान्यता प्राप्त है। मॉड्यूलर OT एवं हाईटेक मशीनों से फिजियोथेरेपी, एम्स दिल्ली एवं CMC बेल्लोर द्वारा सर्टिफाइड पैथोलॉजी। गोपी कृष्ण हॉस्पिटल में आयुष्मान कार्ड, ESI कार्ड, BSNL के कार्ड, रेलवे के कर्मचारियों के कैशलेस इलाज की सुविधा, लगभग सभी इंश्योरेंस कंपनियां एवं TPI कार्ड धारकों को कैशलेस इलाज की सुविधा।